बीजेपी नागरिकता संशोधन कानून पर लोगों को जागरूक करने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी सबसे बड़ा अभियान चला रही है जो आज से शुरू हो चुका है। अभियान के तहत एक ही दिन में पार्टी के 42 बड़े नेता 42 जगहों पर घर घर संपर्क अभियान चला रहे हैं। इसके बाद अगले 10 दिनों में मंत्री और नेता देश के 3 करोड़ लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। देश में चारों तरफ CAA NRC के विरोध में लोग सड़कों पर हैं। देश के हर कोने में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग हिंसा करने पर आमादा हैं। इस विरोध के चलते कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब नागरिकता संशोधन कानून का विरोध झेल रही बीजेपी सरकार ने कमर कस ली है। भारत इसका कोई राज्य का धर्म नहीं है, ये सेकुलर स्टेट है, पंथ निरपेक्ष राज्य। तो वहां धार्मिक उत्पीड़न जिन लोगों का हो रहा था, यह हुआ कि धार्मिक उत्पीड़न जिन लोगों का हो रहा है कि वह भारतीय मूल के हैं, चाहे वह हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, कोई भी, यदि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा अफगानिस्तान में नहीं रह सकते और उनको भारत में आना उनकी मजबूरी है, तो मानवीय आधार पर यह फैसला किया गया कि उनको नागरिकता दे देनी चाहिए। CAA NRC को घर घर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी अब घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी, जिसके लिए पार्टी ने बड़े स्तर पर लोगों को समझाने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसमें बीजेपी के 42 बड़े नेता हिस्सा लेंगे। घर घर संपर्क अभियान लॉन्च करने वाले 42 बड़े नेताओं में बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा भी शामिल है। अमित शाह ने दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके अलावा दूसरे नेताओं ने भी अलग अलग शहरों में इस जन जागरण का शुभारंभ किया। मैं माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, CAA से किसी भी देश की माइनॉरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती, क्योंकि CAA में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे, नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जन जागरण, जयपुर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जन जागरण, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हल्द्वानी में रहे, गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी, मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में, बुलंदशहर में राष्ट्र महासचिव अरुण सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सम्मेलन को संबोधित किया। देखिए, नागरिकता कानून कांग्रेस के पापों के परिमार्जन के देश से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत की परंपरा के अनुसार ये नागरिकता देने का कानून है। बीजेपी ने 10 दिन में 3 करोड़ लोगों तक CAA NRC पर अपनी बात पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी का ये जागरूकता अभियान तो देश हित में नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ये जागरूकता अभियान आखिर कितना सफल हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R19।